नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं इंग्लैंड और श्रीलंका सीरीज की, जिसमें एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। डिक वेला ने क्या कहा डॉम सिबली को, वो निश्चित तौर पर आपको जानना चाहिए। ये बयान क्यों इतना वायरल हो रहा है और इसको किस तरह से इस पर सोशल मीडिया पर रिएक्शन आ रहे हैं, वो अपूर्व हमको बताने जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी दिलचस्प रही है पूरी की पूरी सीरीज, नतीजों के लिहाज से भी। हाँ। और इसके साथ साथ जिस तरह से इंग्लैंड ने खेला, खासतौर पर जिमी एंडरसन का परफॉर्मेंस वहां पर, उनके कैचेस, उनका 5 विकेट हॉल, बहुत सारी चीजें। लेकिन अपूर्व, इस कॉन्वर्सेशन की चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल डॉम सिबले जो है वो बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के 4 विकेट गिर चुके थे लगभग। जब उसको 22 रन की दरकार थी अपने दूसरे मैच को जीतने के लिए, तब डिक वेला ने सोचा कि थोड़ा सा मस्ती मजाक करते हैं, वैसे भी हम लोग हार की कगार पर हैं। तो उन्होंने सिबली की सीरीज अच्छी नहीं रही थी, तो उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने, हो सकता है कि उनको परेशान करने के लिए भी बोला हो, जैसे पंत चढ़ाते रहते हैं दूसरे बल्लेबाजों को, चढ़ाने के लिए बोला हो। लेकिन जो बोला वो वायरल हुआ। क्या बोला? पूछा कि सिबली से कि आर यू गोइंग टू ओपन इन इंडिया टू, यानी कि आप क्या भारत में भी ओपनिंग कर पाओगे अपनी टीम से। उसका तुरंत इतना कड़क जवाब दिया, इतना जबरदस्त जवाब दिया सिबले ने, उन्होंने मतलब ईमानदारी से कहा कि यार मुझे नहीं पता, मेरी तो सीरीज बड़ी खराब जा रही है। हालांकि बाद में उन्होंने 50 जड़ दिया और एक तरीके से बल्ले से जवाब दे दिया, मिल गया होगा जवाब कि देख लो मैं ही करूंगा ओपनिंग, फॉर्म में आ गया हूं। लेकिन उस समय जो ये जवाब दिया ना, ये जो कॉन्वर्सेशन हुआ, ये बहुत वायरल हो रहा है। बिल्कुल ऑनेस्टी, जो उन्होंने जिस साफगोई के साथ ये कह दिया कि यार मैं खराब खेल रहा हूं और अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन कौन जानता था कि आने वाले समय में उनका अर्धशतक लगेगा, और कौन जानता है कि क्या पता भारत में आकर, क्योंकि कंडीशंस बहुत अलग नहीं है। कोलंबो से आधे घंटे की फ्लाइट है चेन्नई, और निश्चित तौर पर कंडीशंस एक जैसी ही हैं पूर्व, अगर आप तुलना करें तो। इस लिहाज से बहुत दिलचस्प हो जाता है उनका ये बयान। खैर, इंडिया इंग्लैंड सीरीज की हर कवरेज आपको यहाँ पर मिलेगी, तो उस पर तभी बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।